सबसे पहले तो आप लोग मीडिया फेडरेटी का धन्यवाद हमारा इस दुख के घड़ी में हमें कवरेज करने के लिए। और हम लोग एक्चुअली में हम लोग धरना बैठने के लिए नहीं किया था, धरना इसलिए था कि हम लोग सिर्फ ये धरना नहीं है, इसको आप धरना नहीं बोल सकते, ये हम लोग वेटिंग कर रहा है। हम लोग जो हमारे भैया जो तपी महाराज जी और इसका साथ में इनके जो निकुदाओ 3 महीने से पिछले 3 महीने से मिसिंग है, तो अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से कुछ भी अपडेट कुछ भी हमें रिस्पॉन्स कुछ भी अपडेट नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने भैया को एक्चुअली वेटिंग कर रहा है कब आएगा और गवर्नमेंट कब ला देगा, कंसर्न डिपार्टमेंट कब ला देगा, इसलिए वेटिंग कर रहा है। वेटिंग इसलिए कर रहा है कि जो आप लोगों को जैसे पता है लास्ट ये रेस्क्यू ऑपरेशन में सर्च ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट का तरफ से डीसी से पा इस कमिंग को इसका कमान में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया था और रेस्क्यू ऑपरेशन टोटली फेल है क्यों बोलने से, और रेस्क्यू ऑपरेशन किया नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन एक्जैक्टली उधर सिर्फ 1 घंटा आधा केम टू में सिर्फ किया है। केम टू बोलने से ये केम टू का टेंथ है, जैसे ये हमें केम टू का टेंथ है, हमारा तपी मारा और निकुदा उबाई 16 अगस्त का दिन को यहाँ से ये कैंप टेंट से निकला, ये टेंट से निकल के वापस नहीं आया। ये टेंट में करव्या वालों भी गया था, दंगबेन वरम भी गया था, जो लास्ट इन्फॉर्मर है वो दोनों ये टेंट तक जाके बताया है कि वहाँ पे कोई नहीं है। इतना बोलने के बावजूद भी डीसी पूरा पता है, ऐसे पता हो गया डीसी का रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को सिर्फ ये टेंट तक पहुँचाया है, इसके आगे भेजा नहीं है, इसका ये टेंट के सामने में वहाँ पे कैंप में तोड़ा से दरन उड़ा के वापस आ गया, इसलिए ये पास रेस्क्यू ऑपरेशन को हमें डिससेटिस्फाइड होने के कारण हमने दोबारा हमारा सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले हम वहाँ सेपा में थे, जैसे एरियल सर्वे जहाँ भी रूट ट्रेस करना था हम लोग फैमिली का ओर से करा दिया, तो डीसी का पास वहाँ का लोकेशन को भी पता नहीं था, इसका रूट को भी पता नहीं था, और रूट और लोकेशन हमारा फैमिली को ओर से मदद करके डीसी को ट्रेस करवाया था, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे भैया तपी महाराज जी ने वहाँ पे जीपीएस रीडिंग करके रखा था, इन उसके साथ में जो और लास्ट एक्सपीडिशन में तारू हाई का दौरा यहाँ पे ये जीपीएस रीडिंग करके रखने के कारण उन्होंने एयर रूट भी मिला, एयर सर्वे करने के लिए भी एरियल सर्वे के लिए भी मिला, फिर लास्ट रेस्क्यू ऑपरेशन डिससेटिस्फाइड होने के कारण हमें 19 तारीख को यहाँ रात को यहाँ पहुँच के हमने 20 तारीख को सीएम सर को अपना ग्रेवेंसेस को लेके गया। हम उसी समय उतना रिक्वेस्ट था कि सीएम सर को सर हमें फैमिली मेम्बर का तरफ से हमें ढूंढने जाएगा, एक बार कोशिश करेगा, हमको बेस कैंप तक पहुँचा दीजिए, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दीजिए, उतना रिक्वेस्ट था। हमने फैमिली मेम्बर बाई रोड भी जा सकता था, बाई फुट जा सकता था, बाई फुट जाके हमने वहाँ पर ढूंढ सकता था, लेकिन बाईपुट को जिस दिन लास्ट इंडक्शन हेलीकॉप्टर इंडक्शन जैसे तका तमूद जी और किशन तक्सन जी को बेस्ट गेम में जैसे पहुंचा, उसी से दिन से डीसी सेपा ने हम लोग का रास्ता को लाबा सादा केनेबा 3 सर्कल को जहां से रास्ता जाता है वही रूट को 144 लगा के रख दिया। उस 144 में ऐसे मेंशन किया है कि वहां पे कोई एक्सपीडिशन एक्टिविटी नहीं होगा बोल के 144 लगा के रख देने के कारण हम ईटानगर वापस आके सीएम सर को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो सीएम सर को रिक्वेस्ट करने के बाद सीएम सर ने हमें ये बोला कि उसमें चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया, सिविल एविएशन के सेक्रेटरी को भी बुलाया, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को भी बुलाया, दिस स्टार मैनेजमेंट डायरेक्टर भी सबको बोला के हाई लेवल मीटिंग बिता के हेलीकॉप्टर देने के लिए बोला। तभी मारा जैसे रिनोन पर्सन के लिए हेलीकॉप्टर देना चौथा बात है, अभी दे देगा। चीफ सेक्रेटरी सर को बोला अभी आर्मी से ये करो कन्वर्सेशन करो, अभी बात करो, तो अभी आर्मी से हम चोपर ले देगा बोला। तो हमने कुछ पल के लिए ऐसा लगा हमारे भैया को मिल गया ऐसा लगा, उसी समय सीएम सर का रिस्पॉन्स पूरा पॉजिटिव थी, इसका दिल में हम जो देखा है कि हमारे लिए दयालु थे, तो हमने उसको उम्मीद रखते हुए कुछ पल के लिए हमारे भैया को मिल गया, तपी मारा और निकुदा उबाई को मिल गया ऐसे लगा था। फिर कुछ दिन रुका नहीं मिला, फिर नहीं मिलने के कुछ दिन 3-4 दिन के बाद फिर वहाँ से एक पेपर आ जाता है, अंडरटेकिंग पेपर आ जाता है, अंडरटेकिंग सबमिट करो, फिर हमने अंडरटेकिंग सबमिट किया, फिर आ जाता है पूल प्लेस इंडिमिटी बॉन्ड सबमिट करो बोल, हमने सबमिट किया, फिर कुछ समय के बाद सप्ताह भर के बाद फिर आ जाता है जो हम लोग जो सबमिट किया उनमें से 2%
एक्सपीरियंस नहीं है माउंटेनियरिंग, इसके लिए एनओसी दिया जाए। फिर भी हमने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करके एनओसी भी भेजा। ये बार हम आप लोगों को मीडिया को हम बार बार बता चुका है, क्योंकि ये डिटेल्स को बोलने के लिए हमने इसको फिर से दोबारा बताना पड़ता है, ये टच करके बताना पड़ता है। ऐसे हो के फिर हमने महीना भर चला गया, माउंटेनियरिंग सीजन खत्म हो गया। जिस दिन हमने सीएम सर को मिली थी तब हमने सीएम सर को भी रिक्वेस्ट की थी, सर माउंटेनियरिंग इंटरनेशनल या नेशनल माउंटेनियरिंग एक सीजन होता है, सिर्फ 30 सितंबर तक सीजन क्लोज होता था, इससे पहले आप हमें हेलीकॉप्टर से पहुँचा दीजिए, इतना रिक्वेस्ट किया था। ये बात हमने वहाँ पर जिक्र किया था। तो रुकते रुकते हमारा 6 अक्टूबर आ गया, तो हमको उपाय नहीं है, हमने लास्टली रिक्वेस्ट करके हमारा ये तागेत सोरेंग और तारू हाई जाना है, तो दोनों को जाना था, क्योंकि तागेत सोरेंग और तारू हाई हमारा फैमिली मेंबर है और उन्होंने तपीमारा का प्रोटेक्शन है, क्योंकि इनको तागेत सोरेंग एक माउंट एवरेस्टर है और तारू हाई एक माउंटेनियरिंग है, और दोनों खुद तपीमारा का प्रोटेक्शन था। इन्होंने वो चीज़ को याद करते हुए फैमिली मेम्बर अपना इमोशनल लेते हुए हर मुसीबत को सामना करके पैदल जाने की ये किया, कोशिश किया। कोशिश करते हुए उन्होंने हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर के घर में किया, रेसिडेंस में जाके रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज़ ये 144 को रिवोक कर दो, आप बोल दीजिए बोल के। हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर का तरफ से कॉल कर देता है, फोन कॉल कर देता है, तो डीसी दिल्ली में था, वो डीसी 4 तारीख को हमें रिवोक ऑर्डर देता है, तो 144 का तो रिवोक ऑर्डर अभी हमारा पास है, ये फोन में है, बाय व्हाट्सएप में मिला था। तो हम रिवोक ऑर्डर मिलने के साथ साथ हमने यहाँ से निकला, मैनेज अपना से ओन मैनेजर के फैमिली वाला मैनेज करके तागेत सोरेंग तारू हाई तना लुई और तांजिंग बातें को हम लोग फैमिली की तरफ से इनका साथ हमने डॉक्टर तादीमारा को भेजा, वहाँ हमारे लास्ट भाई है उसको भेजा, भेज के हमने जैसे यहाँ से भेजा, तब समय भी तो बारिश बहुत बारिश थी, बहुत सब कुछ कठिन सामना करना पड़ा था, पर भी हमारा फैमिली सर्च एंड ऑपरेशन टीम ने जहाँ पे आर्मी गया है वहाँ पे पहुँचा, फिर उनको जहाँ पे आर्मी गया उसको पार करके कैंप तरी में पहुँच के हमारा तपीमारा और निकू दाव का सामान को वापस लेके आया। जैसे यहाँ से घर से सामान लेके गया ऐसे वापस लेके आया, तब अभी सवाल यहीं पे उठता है कि उसी दिन हमने जैसे डीसी को रिक्वेस्ट किया था तम बगंजी और तागेत सोरेंग जी को भेज दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन करके रख दिया है आपका हाथ में, भेजना आपका ड्यूटी है। हमारे ऑल अरुणाचल के सारे माउंटेनियरिंग टीम पूरा जमा हुआ था सेपा में, हर एक बोला था कि हम अपना वॉलंटियरली ज्वाइन कर रहे, तो हमको माउंटेनियरिंग टीम को एक टीम बना के भेज दीजिए, हमने जैसे भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट लेगा, हम इनको ढूंढने के लिए पूरा दिल से कोशिश करेगा बोल के डीसी को भी बोला। उन्होंने मेमोरेंडम भी सबमिट किया, अंडरटेकिंग भी डीसी के सामने किया, पर भी इनमें से सबको नहीं ले जाने से भी एटलीस्ट तागेत सोरेंग और तमिल बगन जी को ले जाओ बोल के हमने डीसी का पैर पकड़ के गिर गिरा के रोया। इतना एक दिन नहीं है, 7 तारीख से 14 तारीख तक, तो डीसी ने उसको नहीं भेजा। तागेत सोरेंग और तमिल बगन को क्यों भेजना था, स्पेशलिस्ट इसलिए था कि वो दोनों ने लास्ट ईयर तपी महाराज जी का साथ वहाँ पे एक्सपीडिशन एक्टिविटी में पूरा काम किया, लोकेशन को पूरा पता है और जहाँ पे रोप अप करके रखा है वहाँ को उसको पूरा पता है, जहाँ से जाना चाहिए और रास्ता को पूरा पता है, केम तरी जहाँ पे सेटअप करना चाहिए इनको भी पता है। अभी जो लोकेट करके हमने दिया, जो डीसी को लोकेट करके दिया, सर्च ऑपरेशन भी ज़्यादा दूर ढूंढना जरूरी नहीं, इस एरिया में ढूंढना है बोल के हमने पूरा रोड मैप करके भी दिया इनको, देने के बावजूद भी डीसी तमें बगंग जी और तागेत सोरेंग को नहीं भेजा। आज का रेस्क्यू ऑपरेशन का गवर्नमेंट का पेलर का कारण यही है। अगर उसी दिन 11 सितंबर को तागेत सोरेंग के साथ तमें बगंग दोनों को आर्मी के साथ भेज देता, या तो अभी हमारा तपीमारा और निकुदाव को या जो जिंदा मिल जाता, अगर इन कैजुअलिटी हो गया तो कई कर्वेसेस में गिर गया तो अभी कैजुअलिटी में मिल जाता, जिंदा होता, इनकेस मर भी गया तो हमने डेथ बॉडी मिल जाता, या थर्ड हैपन कुछ भी पीएल इशू होता तब भी हमें कुछ निशान मिल जाता, सबल इसमें है। उसी दिन क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ पे उसी समय बर्फ़ भी ज़्यादा नहीं था, कैम्प 2 में बिल्कुल बर्फ़ नहीं था, कैम्प 1 में बर्फ़ नहीं था,
और बेस कैंप तो तोतली हेलीकॉप्टर वहाँ पे लैंडिंग हुआ था। आज के डेट में हमारा फैमिली रेस्क्यू टीम जो गया उसी समय बेस कैंप तक जहाँ पे आगे हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुआ था वहाँ तक पूरा बर्फ लेवल हो गया, पर भी हमारा फैमिली टीम जाके ले सका है। अभी सवाल इसमें है फैमिली टीम इतना मैनेजमेंट आधा मोरा करके महीना भर मैनेज करके इधर उधर हर एक को कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश किया, इंटीमेशन देने के लिए कोशिश किया, सपोर्ट लेने के लिए कोशिश किया, उतना तरफ तरफ के हम भेज रहे हैं, तब तक गवर्नमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट क्यों हमें रिस्पॉन्स नहीं किया, क्यों हमसे अपडेट नहीं लिया, क्यों हमसे रेस्क्यू ऑपरेशन रिसर्च ऑपरेशन में क्यों मदद नहीं किया, सवाल इसमें है। इसलिए जिम्मेदारी कंसर्न डिपार्टमेंट का बनता है डायरेक्टर यूड अपीयर्स, जैसे 22 जुलाई को कैसे जैसे मोमेंट ऑर्डर देके भेजा, इससे हमारा भैया तपी महाराज और निकू दाऊ को वापस लाना पड़ेगा जिंदा या मरदा। अगर जिंदा है भी तो जिंदा ला दीजिए, अगर मर गया हो भी तो डेथ बॉडी ला दीजिए, अगर डेथ बॉडी सर गया हो भी तो एक टुकड़ा हड्डी ला दीजिए, हम डीएनए टेस्ट करके देखेगा। सवाल इसमें है इस सब बात के लिए हमसे बात करने के लिए क्यों चुप रहा है डायरेक्टर, किस लिए चुप रहा है डिपार्टमेंट, क्यों चुप रहा है, किस लिए आवाज़ कुछ भी आवाज़ नहीं हो रहा है, क्यों मीडिया के सामने नहीं आ रहा है, क्यों रिटर्न में नहीं दे रहा है, सवाल इसमें है। इसलिए जब तक तपी मरा और निकू दाऊ जी को वापस लेके नहीं आएगा, कुछ भी लेटेस्ट अपडेट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं देगा, हम जब तक यहाँ पे बैठेगा, हम एक्चुअली यहाँ पे धरना करने के लिए नहीं बैठा है, ये बार बार आप लोगों को बता रहा है, ये तपी मरा का हमारे भैया का लास्ट 16 अगस्त को ये टेंट से निकला, ये दिन से निकलने के बाद वापस नहीं आया, इसलिए हम इसको अपना भैया समझ के इसमें रुक के भैया को वेटिंग करेगा, जब तक नहीं आएगा, जब तक डिपार्टमेंट नहीं लाएगा, जब गवर्नमेंट से हमें कुछ अपडेट नहीं आएगा, हम जब तक यहाँ पे रुकेगा, वहाँ गवर्नमेंट हमको 1 साल रुकाना, 2 साल रुकाना, कितना साल रुकाना सही लगता है तो गवर्नमेंट हमको इग्नोर कर, अगर सही नहीं लगता है तपी महाराज जी जैसे के लिए आज के डेट में फैमिली यहाँ में ऐसे टेंट में जमीन में तरफ तरफ ना सही नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को तोरा से भी लगा है, तो गवर्नमेंट आए हमें अपडेट दे दीजिए, हमारा डिमांड पूरा कीजिए, उतना आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और आप लोगों के माध्यम से हम एक बार हाथ जोड़ के बेनती करना चाहूँगी, खास करके हमारा माउंटेनियरिंग फैमिली को अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट या ऑल ओवर इंडिया जैसे भी हो, देश दुनिया से जहाँ से भी देख रहा हो इस मैसेज को, हमारा माउंटेनियरिंग फैमिली जितना है, जैसे एवरेस्ट में समिट किया हो, कोई ऑन गोइंग एवरेस्ट में हो या कोई एक्सपीडिशन किया होता हो, तो इन माउंटेनियरिंग फैमिली को हमारे ओर से अपील है, आप आज का डेट में हमें आपका सपोर्ट जरूरी है, बाकी हमारा इमोशनल को नहीं समझ रहा है, बाकी हमारा दुख को नहीं समझ रहा है आज का डेट में, आप माउंटेनियरिंग फैमिली है, आप माउंटेनियरिंग लोग ही समझ सकता है माउंटेनियरिंग का प्रोफेशनल क्या है, माउंटेनियर क्या करना चाहिए, एक एवरेस्ट में समिट करने के बाद अपना स्टेट के लिए अपना कंट्री के लिए क्या करना चाहिए, वो सब आपके पास में है, आपको नॉलेज आपके पास में है। प्लीज़ सारा अरुणाचल या सारा इंडिया में जितना माउंटेनियर है जैसे एवरेस्ट समिट किया हो, इन सब को हम अपना तपी महाराज का और निकू दाऊ का फैमिली की ओर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, आप आज के डेट में आपका हम सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट दिया हम आपका सपोर्ट चाहिए, आप प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए, करने के लिए कोशिश कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप प्लीज हम इस दौर में आप हमें ज्वाइन करने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं आज तक कल हम कल शाम 3:30 से बताए परमिशन लेके हम एक्चुअली डायरेक्टर यूथ अफेयर्स का ऑफिस में बैठना था, हम सिर्फ हमको धरना करने के मकसद में था, हम भैया को वेटिंग करना था, जैसे तपी महाराज जी का ये माँ है, माँ बेटा को वेटिंग करना था जो कब आएगा, ये बीवी है इसका वाइफ है अपना हस्बैंड को वेटिंग करना था कब आएगा, फिर ये बहन है, बहन हमारा चौथा बहन लोग है, ये वेटिंग करना सब बस्ती से आया है, वेटिंग करना था, हम वेटिंग करना था कब आएगा गवर्नमेंट, कब लेके आएगा डिपार्टमेंट, कब लेके आएगा गवर्नमेंट, आपको हमको कब जवाब देगा, हम एक पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कुछ भी नहीं, हम पॉजिटिवली वेटिंग कर रहा था, हम डायरेक्टर ऑफिस में वेटिंग कर रहा था, तो हम जाने अनजाने में हम कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेशन नहीं देना गलत है बोल के सही नहीं लगा, हमने डीसी कैपिटल को तालोपतम सर को इंटीमेशन देने गया था, तालोपतम सर ने मना किया वहाँ पे सही नहीं है, धरना स्थान टेनिस कोर्ट में है वहाँ पे जाओ बोल के, फिर हम कानून को वॉयलेशन भी नहीं कर पाया इसलिए यहाँ आया, नहीं तो हमें यहाँ आके धरना करने का कोई ये नहीं था। आप ये देखिए, आप लोग ये बात गौर से देखिए, ये टपी मरा का
अचीवमेंट है, ये कोई आपका स्टेट गवर्नमेंट दिया होगा, आपका कोई गवर्नर दिया होगा, ये कोई सरकार दिया होगा, इसका आप तपीमारा का अचीवमेंट को आप लोग देख लीजिए, आप देख लीजिए तपीमारा क्या था, कोई मिनिस्टर दिया था होगा, कोई MLA दिया था होगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट दिया था होगा, ये साउथ अफ्रीका केली मंजरों का, तंजानिया केली मंजरों का है, वहाँ पे भी हाईएस्ट पीक को सबमिट किया, ये दिया था, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने तो दिया है, हमने तो परिवार वाला तो नहीं दिया है, इसको अचीवमेंट का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल तो देखा, हम सिर्फ नहीं देखा, ये मानतकोशी को ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का कंटिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है, वहाँ इसको भी सबमिट किया, इसका डेट कौन सा है, तारीख कौन सा है, पूरा यहाँ पे है, कितना हाई पीक, कितना हाइट है, तो ये माउंट एवरेस्ट का है, माउंट एवरेस्ट का तो आप लोग सबका नॉलेज में है, ये तो कोई ना कोई तो दिया है ना, कुछ अचीवमेंट की वजह से तो दिया है ना, ये थ्रू लेजेंडरी अवार्ड नोटिस का, ये तो कोई तो दिया होगा, हमने परिवार वाला तो नहीं दिया है, हाँ ये देखिए इसका कितना अचीवमेंट है, देखिए अपना स्टेट में नहीं है, अपना कंट्री भी नहीं है, अलग स्टेट में, अलग कंट्री में, अलग डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में इनका इतना अचीवमेंट होने के बावजूद भी आज तपीमारा मिसिंग है, मिसिंग होने के बाद अभी हम फैमिली बेहाल में है, हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, इसी समय में गवर्नमेंट हमको सहारा देने के बजाय आज हमें इधर ये अचीवमेंट के साथ हम इधर ऐसे बैठना चाहिए, आपको ये बैठना, आप लोग पब्लिक, आप लोग जनता पूरा बताइए कि आप समाज बताइए कि ये कितना तक सही है, आप लोग ही बताइए, आप लोग ये सवाल गवर्नमेंट को पूछ लीजिए, डायरेक्टर यूथ अफेयर्स को पूछ लीजिए, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स को पूछ लीजिए, आप गवर्नर से भी पूछ सकता है, क्योंकि दो दो गवर्नर से दो दो अवार्ड दे चुका है तपीमारा, हम उतना बताना था। थैंक यू मैम, आपका यहाँ चार्टर ऑफ डिमांड में लाइक हाई कमिटी सेटअप करना है अगेंस्ट DC का लेके, तो क्या एग्जैक्टली है, क्या कमी रह गया था DC में आप ऐसे डिमांड कर रहे हैं? एक्चुअली ये बहुत लंबा चौड़ा बात है, ये बात आप लोगों को हम Day 1 से प्रेस में बता चुका है, ये बात हम CM सर को 23 सितंबर को हमने CM सर के पास टोटल मीटिंग में, जो उसमें चीफ सेक्रेटरी भी था, हम आगे में जैसे बताया सिविल एवियशन का सेक्रेटरी भी, स्टाफोर्ट सेक्रेटरी भी था, और डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर भी था, हमारा तागेन कल्चरल सोसाइटी भी था साथ में, तो हमने उसमें पूरा जिक्र किया, पूरा डिटेल्स बता चुका है, दिस सेटिस्फेक्शन इसलिए है, नंबर वन हम तागेत सोरेन तम बगन तारू हाई का नेतृत्व में, तागेत सोरेन का नेतृत्व में तारू हाई तम बगन तागेत सोरेन का तीनों को हमने अपना फैमिली की ओर से भेज रहा था, नंबर वन पहला ऑपरेशन सर्च में भेज रहा था 15 मेंबर पोर्टर का साथ, इनको DC बना गया, आप पैदल मोड़ जाओ, हम 29 को भेज रहा था सर्च के लिए, उन्होंने रुकाया, हम हेलीकॉप्टर से भेज देगा, हेलीकॉप्टर में आप दिन में पहुंचना, 10 दिन में पहुंचना था, हेलीकॉप्टर में 1 घंटा में हम पहुंचा रहे, तब हमने रुका, रुकते 1 तारीख तक आ गया, 28 से 1 तारीख तक टाइम का दिया, हाँ टाइम वेस्ट हो गया, फिर बारिश होने के कारण उसमें बारिश टिक नहीं है बोल के, फिर हम लोग रीप्लान करके फिर पैदल मूव किया, फुट मार्च करने के बाद हम लोग 3 दिन का रास्ता पहुँचा, बापरिया बांग में कॉम्प्लेक्स पॉइंट में पहुँचा आर्मी के साथ, उसमें ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय करने के कारण हमने नहीं जा पाया, तो आर्मी वहाँ पे था बापरिया बांग में, जो सिंगल रोप है वहाँ में पार नहीं कर पाया था, आप डिटेल सुन लीजिए अगर डिटेल जानना है, तो आर्मी से पार नहीं हो पा रहा था, तो तागेत सोरेन और तम बगन जी ने बताया, हमने पोर्टर के साथ जो पूरे लड़का लोग है बहुत एक्सपर्ट है, इनके साथ हमने फुट मार्च अभी निकल रहा है, तब तक हम बेस कैंप पहुंचते 7 या 8 तारीख को मौसम ठीक होगा, विदाउट रिपोर्ट हम लोग अपडेट कर रहा था, तो ऐसे बोल के आर्मी को रिक्वेस्ट किया, आर्मी वाला ने बोला होगा DC को पूछेगा, DC अलॉट करता है तो आप लोग आगे निकल जाओ, हम लोग हेलीकॉप्टर में आ जाएगा, ऐसे बोला, तो वहाँ से बपरिया बंग से DC को कॉल किया, तम बगन और तागेत सोरेन निकल लेगा पूरे पोत्र के साथ, आप लोग आर्मी को वापस कीजिए बोला है, तो DC क्या किया, नहीं होगा, आप आर्मी को जैसे लेके गया ऐसे वापस ले आओ, अगर बीच में आर्मी कुछ भी कैजुअलिटी हो जाता है तो जिम्मेदारी तम बगन और तागेत सोरेन का होगा बोल के डरा दिया, वो दोनों उसका आदेश को मानते हुए वापस आ गया, तब तक 7 तारीख हो गया, तब 7 तारीख को हमने फिर मीटिंग और लोग लौटने के बाद, उन लोग पूरा लौटने के बाद हम लोग फिर शाम को मीटिंग बिताया, फिर से मीटिंग बिता के हम लोग हेलीकॉप्टर में भेजने के लिए, हेलीकॉप्टर प्लान कर रहा था 8 तारीख को, वेदर ठीक हो रहा था वेदर रिपोर्ट के हिसाब से, तो उसी समय हमने मीटिंग बिताया, मीटिंग बिताने के बाद DC भी था, सब एडमिनिस्ट्रेशन सब टीम था, आर्मी भी था, तमिल बगन और तागेत सोरेन भी था, तो उसी समय हमने बोला, और सारा अरुणाचल का माउंटेन वहाँ में जमा था, 5 एवरेस्टार
three mountaineering experience person, expert person. तो total 8 mountaineering सेपा डीसी ऑफिस में था, तो उन्होंने सब बोला हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन में वॉलंटियरली ज्वाइन करेंगे। तो उसी समय हम डीसी को रिक्वेस्ट किया माउंटेनियरिंग टीम को एक ग्रुप बनाइए और आपका आर्मी टीम को एक ग्रुप बना के दोनों टीम को ज्वाइन ऑपरेशन करने दीजिए, क्योंकि ग्लेशियर में माउंटेनियरिंग लोग ही जैसे एवरेस्ट में जो समिट किया उन लोग ने ज़्यादा काम कर पाएगा। डीसी को बोला, डीसी ने नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना, नहीं ले गया। तो तब तक रुकते रुकते माउंटेनियरिंग टीम एक एक करके निकल गया। तब तक आखिरी तक तमय बगिंग सर और तारिक तागित सोरंग रुका था, तब नहीं भेजा। तारू हाई को मसामिरी भेज दिया, आर्मी को मसामिरी से दारी उतारने दिया, सेपा हेलीकॉप्टर नहीं आने दिया, डीसी भी मसामिरी चला गया। तब हम इसे रिक्वेस्ट करने के बाद तब 14 तारीख को डीसी आ गया, तो 11 तारीख को आर्मी टीम को लॉन्च करने उधर इंडक्ट करने के बाद बेस कैंप में, फिर डीसी उधर आ गया 12 तारीख को। आने के बाद 13 तारीख को डीसी सेपा आ गया मसामिरी से। तब हम लोग को 11 तारीख को खबर, रात को खबर देता है हेलीकॉप्टर कहने पास उतरे। तब हम लोग ने माउंटेनियरिंग टीम को हमने लेके रात को केनेबा पहुंचा, तो से केनेबा में दो दिन रुका नहीं मिला। तब शाम को खबर आता है, शाम 5 बजे के बाद खबर आता है कल मिसामारी से हेलीकॉप्टर फिर होते हैं। फिर बोल के हम माउंटेनियरिंग टीम को फिर सेपा वापस लेके आया। तब वहाँ में नेम बाई आ जाता है तकातामोद और किशनकर सिंह को ले जाना, तो उसमें भी हमने रिक्वेस्ट किया था दोनों के जगह में तागित सोरंग को एक को रिप्लेस करो। क्यों बोलने से हम तागित तकातामोद और किशनकर सिंह को वहाँ में जाके काम नहीं कर पाएगा ये नहीं बोल रहा है, क्योंकि तागित को पूरा लोकेशन पता है जहाँ में जाना है, एग्जिट जहाँ तक जाना है, जहाँ से जाना है, रास्ता कहाँ से है, कौन से रोप अप करके जाना है, राजलाशियर यहाँ पे जहाँ पे जो रोप अप करके रखा है वहाँ से जाना है, तागित को पूरा पता था। तब तागित को ले जाओ बोल के गिरा के रिक्वेस्ट किया। तब उसी में हमको क्या बोलता है, तेरा तागित सोरंग और तमय बगिंग सुपरमैन है क्या, वहाँ में जाके क्या करेगा, तुम्हारा एक आदमी तेरा तपी मरा निकूता वो एक आदमी का बाजा से चाइना अगर इधर एटैक करेगा तो हमको फिंगर पॉइंट करके बोलता है तुम रिस्क लेगा क्या, तुम्हारा टीसीएस रिस्क लेगा क्या, उतना तक बोला। पर भी ये बात टीसीएस का नाम अभी तक हम एक्सपोज नहीं किया, इतना तक बोल के हमको उधर सब सुना। तो ऐसे होने के बावजूद मेरा मुँह को तो पूरा बंद कर लिया, हम रोने के अलावा कुछ जवाब भी नहीं सका, हम सिर्फ उतना जवाब दिया है अरे सर अगर वहाँ पे अब चाइना का डर था तो गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ मेरा भैया को क्यों भेजा है, उतना सिर्फ बोल के हम रोके बेटा। फिर हम थोड़ा तंदा दिमाग से सोच के डीसी को फिर रिक्वेस्ट किया, अगर सर आपका हेलीकॉप्टर तो 14 तारीख को तकातामोद और किशनकर सिंह को तो इंडक्ट कर लिया, अगर आपका अगर ये लास्ट हेलीकॉप्टर है तो आपका पास और अफोर्डेबल नहीं है तो हमें पैदल मार्च करने दीजिए। हमारा 4 पोतर है जिसे लास्ट ईयर हमारे भैया का जो तपीमरा जी का गाइड हमेशा ले जाने वाला गायत था, वो गायत को हम ले जाके चाकब अकली संबर अकली करव्या वालों कथी दाऊ को हम लेके पैदल निकल जाएगा, ताकि सोरन के साथ निकल जाएगा बोल के बताया। तो बोलने के बाद कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। कुछ समय के बाद 12 बजे ऐसे के बाद एक ऑर्डर निकलता है चाकब अकली कथी दाऊ करव्या वालों संबर अकली को आर्मी का मदद के लिए आगे मूव कर दिया, भेज दिया, हम लोगों ने बताया। फिर हम शाम को जाके उसमें तो बहुत रुआ है, अरे सर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, हम जो ले जाना था उसको भी आप भेज दिया। हम लोग ऐसे होने से हम घर से भाई लोग को बुला के कल निकल जाएगा आप प्लीज हमें ये दीजिए पोतर आर्मी पोत क्या बोलते हैं पूर्व पोतर के लिए हम अंडर टेकिंग बना दीजिए बोल के हमने रिक्वेस्ट किया। फिर करने के बाद शाम को सेम डे 14 तारीख को शाम को फिर एक नोटिस निकलता है, ऑर्डर निकलता है 144 पूरा सिविल जाना माना है, और उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि 144 में एक्सपीडिशन एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगा, लादा साबा केनेबा तीन सर्कल का लोकेशन में एक्सपीडिशन एक्टिविटी नहीं होगा, रेस्ट ITBP और आर्मी। उसमें रीजन लिखा है कि ह्यूमन लाइफ रिस्की है हेवी रेनफॉल होने के कारण, अगर ह्यूमन लाइफ रिस्की था तो आर्मी ITBP का कोई ह्यूमन लाइफ नहीं था हम लोग को मना करके, ये सब एकदम टोटली ट्रांसपेरेंसी है उधर तपीमरा को नहीं ढूंढना है नहीं मिलना है वही है। तब तो वहाँ पे पहुँच के सर्च ऑपरेशन टीम क्या किया, 11 तारीख को आर्मी को इंटर किया, 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख 14 तारीख को तकातामोद और किशनकर सिंह को इंटर करता है। 15 तारीख को वहाँ से शुरू होता है, 5 दिन बेस कैंप में बैठने के बाद 15 तारीख को किम वन जाता है, तो 15 तारीख को किम वन जाता है तो 16 तारीख को वहाँ पर रेस करता है। फिर तब तकातामोद किशनकर सिंह और आर्मी
कैसा तक सर दर्दता बोल के वापस की बेस केम वापस बेस डाउन कर दिया फिर केम टू के लिए हाई और तकता मत और आर्मी आर्मी पर्सनल तो 17 तारीख को केम के टू के लिए सिर्फ जाता है फिर 17 तारीख को केम टू पहुंच के 18 तारीख का सुबह को लगभग 7 बजे या साढ़े 7 बजे 1 घंटा या 1.5 घंटा दरोन उड़ा के वापस आ जाता है वहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं किया कुछ भी सर्च नहीं किया जहाँ से लास्ट इन्फॉर्मर जैसे करबिया वालों ने बताया है ये टेंथ हमें था ये टेंथ से करबिया वालों वापस आया है वापस आके वहाँ पे से मरा सर निकल गया अभी वहाँ पे वापस नहीं आया है वहाँ उन्होंने 8 दिन रुक के आया है वापस नहीं आया है बोल के बताया है उस जगह में जाके सर्च एंड ऑपरेशन किया है बोल के झूठ बोल के कॉल ऑफ कर देना ये कहाँ तक सही है उसी समय तरु हाई साथ में था तरु हाई मेरा माँ का भाई असली भाई है मेरा अपना मामा काश मामा है अगर तरु हाई नहीं जाता हमको ये लगना था कि सच का उधर ढूंढ रहा होगा बोल के लगा तरु हाई के हाथ में आई से था सेटेलाइट फोन था उन्होंने हर वक्त हर समय हमें फ़ोन करके बताया और सेटेलाइट फोन को भी डीसी सीज करने के लिए कोशिश किया लेकिन हमने डीसी को बोल के उसको सीज करने नहीं दिया तो उसी दिन भी तरु हाई कॉल किया था 8 बजे को अभी आर्मी आगे जाने नहीं दे रहे हैं माने आर्मी अपना वो लास्ट ईयर जो लास्ट एक्सपीडिशन में जो रोप अप करके रखा है उसको दिखाई दे रहा है हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया तो आर्मी मना किया है डीसी को पूछ के आगे जाना है तब डीसी को ऑन द स्पॉट में फोन करके पूछता है हम आगे बढ़ेगा डीसी बिल्कुल मना किया वापस आ जाओ ये सब आर्मी का कुछ भी हाथ नहीं है टोटली डीसी का हाथ है डीसी ये नहीं चाहता था कि तभी मरा को मिल जाए ये नहीं चाहता अगर अभी हमारा टीम जो फैमिली टीम गया है वो जहाँ पे तरु है लोग जैसे आर्मी लोग जो रूप देखा है वहाँ तक गया है तो दोनों को लाती को मिल जाता है जो जो स्किल जो आइस स्किल को मिल जाता है वहाँ से मिल जाता है वहाँ से रोग फेस में चढ़ जाता है तो इससे थोड़ा दूर में टेंथ को मिल जाता है अगर उसी समय उन पहुँचता डीसी मना नहीं करता या जिंदा भी मिल जाता या कुछ एक्सीडेंट हो गया भी तो वहाँ मिल जाता या मर गया तो डेड बॉडी मिल जाता अभी हम बार बार बोले जो तब हैपन जो भी APL इश्यू होता तो भी कुछ तो निशान मिल जाता अभी भाई वो दोनों का पास में तपी मारा और निकुदाओ का पास में अभी सब कुछ सामान वापस मिल गया मोबाइल फोन नहीं मिला आइस एक्स नहीं मिला वो दोनों सामान अभी तक नहीं आया बाकी चीज़ मिल गया इसलिए अभी हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा भाई अभी नहीं है हम नहीं बोल सकते हम ये भी नहीं बोल सकते वहाँ में जिंदा बैठा ऐसा भी नहीं बोल सकते अभी हम क्या करें हम भी कन्फ्यूज में है क्या करें इसलिए डिपार्टमेंट जिंदा या मर्दा ला देना पड़ेगा जवाब देना पड़ेगा अगर जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम यहाँ पे बैठते रहेगा अगर हम यहाँ को हम यहाँ पे परिवार वाला जितना तक बैठना है कितना दिन बैठना है उसको गोमिनी दे पड़े कलो का गेना का ऐ सो मीना आमला से मीना आमला का लास्ट सो ऐसी निकुदाओ दीदी सी भाभी ऐ सी निकुदाओ का भैया है सी भाई ऐ दाओ नुलू फैमिली लो पे अम्मा उम्मा मेनोन वाला निकू दाओ ऐ ब्रो आज निकू प्राय लकी दीदू को खर्चा में दो निकू दाओ है फैमिली लो उन्हों ने मेनोट नो हजरा मत नो कैंटक सत्तर नो कमाई उमाई वाला निकू दाओ ऐ ता मित्र नारी रहियों के वो करना सिसो निकू का दाओ का पाई सो कमे अनि सि पेसो ता फ्री ना हो मरन दि प्रॉब्लम दि दि तो आई फियर हम दि बति गली पे तो करना जिसे भी मु कलो पोजी का दि ग दि ड्रग्स म तो पोत्र का दि इन तो मुब्रो निकू ने गची ग तना में आई जरा दि आई मो लंग को रा दो गची तना में दा क्या सि 3 महीना का बाद में गची तो जैसे भी मेरा निकू सबसे मुलू का कमाई उमाई शादी सादा भी दोमो आई ये फंको पे दोमो ब्रो आनी ने खर्चा में दोमो निकू दाओ वो फैमिली लो मुलू का नी तेलिंग निकू दाओ कमाई उमाई मेनोट वाला भी निकू दाओ ना फ्री को छोड़ करके हजरा करके कंटेक्ट करके मेनोट वाला निकू दाओ निकू दाओ अभी तभी मेरा दोनों का साथ में ये हो गया किनारे हो गया हेल्पर से गया जाके अभी किससे होना हम लोग बहुत तिगड़ी हो रहा है भाई दोनों का भी ये हो गया फ्री लिखी भी ये हो रहा है ना कोई दिखने वाला नहीं बहुत तिगड़ी है निकू का फैमिली हम लोग का उल्लू जगह तो लो नेट बोर्ड पे दो मो आई नवा दो तो उल्लू का नेट बोर्ड पे दो मो
उल्लू नवा दो रग नाम रग पको पाइक कम सो उल्लू सो उल्लू का फैमिली सो पे ये नहीं उल्लू चिंगला मो इसे तो उल्लू का नीकू दाओ नीकू बोला पे निफंग का ओपे दो मो जब भी मानो गर्मी मानो को बोला पे कौन तो नहीं और पोजी ने पे हगोल पे सात भी इतना हो दा क्या तभी मरा नीकू दाओ तो जैसे भी जिंदा होने से भी लेके आओ मर के ये क्या बोलता है ये बॉडी को भी जैसे भी हम लोग को देखा मिलने तो भाई पाई मो तो बरोबर में उंगलू ने पे कोमो तो उंगलू ने शांति नोची मो बुची मो दे लगे जिंदा बो तो दार बदो बनंग पे निकुदा उन को बोला पे मानो नोलेंग भी दे लगे गला हो सर के बिन्ने से भी ना नोलेंग भी दे लगे को बोला पे मो निकुदा हो फैमिली को भी दिखने देना है मराता पी का वो फैमिली को भी दिखने देना है जिसे भी वापस ला दो ना गर्मी में जिसे भी साथ करके ना मरा फैमिली भी ऐसे साथ होगा हम लोग भी ये पोत्र सांतर को तो नेक्स्ट में भी वो लोग पैदल से जाने से भी हम लोग का निकू का दाओ का फैमिली भी लोग होता पे साथ सा यारों पे साथ सा के चलो एक देर दे वो कलोगा होगा समा का मेमिंग दो पे समा मेमिंग दो पे गलो लोकेल नहीं नहीं मो बन दीदी को हो मे पोसा हो समय तो तपा पतलाई होता तो बर्फ मानो पे कौसूदा बर्फ उबर पकू हो समय हो मेना बन जैसे बिगला हो गिकपा बने पे कौ पोसा गोबोला पे पों पोसा ऐ सो होदा समय सो कौ पोजो में बर्फ पे उबर मानो हिदी बलो नेट बलो पे कौ दू तपा में होदा उबर पकू जैसे होगा मानो मेंगतना निकू का फैमिली है वो होदा अफी आराम तिगली जाए गोबोला पे ब्रो का निकू ने गोबोला पे जिंदा होने से भी लेके आओ जिंदा होने से भी लेके आओ ये बोधी तभी हम लोग को बेका मिलने दो ना ये मेरा ये बात है गर्मी आप लोग देख के ना हम लोग इसे मुश्किल से जी रहा है मुश्किल से ये भाई हम लोग अभी निकू निकू का जिसे भी ना अब मेरा बात इतना बोल नहीं ना अभी दांग वाई मिंगदा मिंगदा मिंगतुक मिंगलिंग का कमो क्या बता क्या बताना पे क्या बतुक क्या बिंग का कमो क्या बना पे वो पसना सका निक्सी पे लाइंग का कमो हबो ये वो मिंगतन मानो अन्य मिंगतनों को बोला पे लूने गर्मी नो कोपों दे लगे वो सो बैंग तमना पे रिसब में दे लगे बैंग ला माना ने कोपों तो को बोला पे रिसब दे लगे वो निकू दाओ को बोला पे तार बदो बना पे नौलाइंग दे लगे ये बॉडी ने को बोला पे पाई मो तो मुलु पेम्बली ने कोपों मो दे पाई मो तो ऐ मुलु मो बने मुलु शांति मो को बोला पे पाई मो तो बाबी ने निकू का न्याफंग का ऐ ओ मैं मिया कान चिंग ओ निकू का न्याफंग निकू ने क्लोंग लु हबो अन्ना इंचंग दा अबो इंचंग दा बसी यो पा तक नंग लु न्याफंग का तंग लु सो ना सो पी सो रं बो अजे ने ला कमो सिटी यदि बर्दी ने हगो द बोंग लु सपात ने सदा सो तकु मलो हदे बसा तम ना मलो ने कलम सदा मारे द कु हो मंगला मलो ने हदे ब मे न न क नाम ता ना हगो लोंग कियम अरे ना बिन ना मा हगो रे नोंग ना 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 लु ने कोन तम तना दो बो तंग बो कना मलो हब सा तम फंग तक नंग होगा तापी सार ल सो गाई ल गर्मी ल इस टाइप गर्मी ल मा हगो रे शांतर गर्मी ल मा हगो रे कागोस न त न मा सार ब यंग बात का बिना ओ जागा तलो निरो बो हमे नि गा निरो ता ना बिना म यंग ग कना हो तलो गे नाम ना गे नाम को मो ना हम इस टाइप गर्मी न हगो ब लापिन नीकू ने तापी सार मानी ने गबो लापिन मानो मे जी दे गबो मानो मानो ओदर जीतना चाना का मानी में कुशी बिना बचामो बिना बिना खागो से बचामो गर्मी शांतर गर्मी लमा तापी मना तापी हद बकलो कलो का जगह जगह यंग में ने न होगा हो खागो से मपात न नीकु दाव ने हो छाग कना हम गलु सदा या फंग अबंग ब्रो ब्रह्म दांग लो हद बतक कंग दना क्याप कंग री कम दना हदा हिद लाची ग हिद लाची करतना हिद लांग लो ने आई नीकु यंग मो हद लकों तनांग लो सी में ना होगा गलु नवा तलो दो नंगलु हगो पिनेट बोल दो कमो फोन बैलेंस लोंखी पिन हगो रे तलो हगो रे दो कमो तनंगलु हगो चिन ला कमो रे ला कमो मेंग ला कमो कालो अतक छो ने बा बिन बा सा नी पिन दों कमो नंगलु सबो आफी आराम तकलीफ ओ तना सदा कंग ता सलो सी ता नंग रे सो गची मो ना मिसरम नंगलु ने सा जी तना सी गची मो ना नी कु दाव फैमिली नंगलु ने
Niku kompo mo ta de ngulu pisa boto ta na ngulu ne tani do ke mo ta na te pi do ke mo ta na ne do ho ke mo ta ngulu sa boto ta na ka no si dong min ta na istar ga min na man na ngulu ne niku ne ko ta mo ta pi mra sa ne family ne ngulu ne ago ta bo dead body ne me ji mo ka ba na ngulu sa boi do ta na ngulu ka no si la finger min no apo si la ngulu si pa ji na ngulu ga ka wa ha tu sida bro ani ya puri ri tong pa ne ye po pa ta no ha tu bo ngulu sapaba pesi yang khrasa ne hadu ba tok tong ni nanglu ago pin do sap ago long ki anglu ne jila emle long ki pe manda ko na ta nanglu ne ngalu ham sala kamo bin la kamo ta kan nanglu sada ba ago re anglu ga emle pi ha ba anglu ne sar ji ta nanglu myang dina jila so ka anglu ne sapo bingo re go ka de man nanglu sa tam dina sloga sa sa anglu ne ni ku na tapi sar mani ne ha ko la ping go la ping kopo mo de kopo lage jeru ri ngelu ba ngelu ngena ko pasina ko meng mo na ngelu ato bo ga ko re nya sanga abang ah te ba family e cinna re na ni ha go pindo ko mo go pindo ko mo idu alola idu alola tapi sar ma ni kechi ta na idu alola kechi ta na sab ka da me i bo ngelu ne ko patam sab ta na ko ba kenyu ta na sab ngelu sab ngelu ha go re do dong na ho ngelu bin la ko mo na la cin la ko mo hi nyang na ji nya re mo ngelu ne madak ta ki ya tebin tren na haba bin ta ka haba te li haba bin ta ka hi bin tam sar ko ma salo mi odi sa ngulu sa bo tok de na ka ho ga ngulu ne so so ngulu go bo la pin ngulu sa bo dong pa ke ta na ni ku ga ni ku nyang mo ko po mo da de tapi nyang mo ko po mo da de apo i ta ta ka mo ta ngulu bin la